हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस लास्ट मोमेंट MHT CET मास्टर सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आया एक नया टॉपिक जिसका नाम है सरफेस टेंशन। ओके, तो मैं सरफेस टेंशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे उन सभी फॉर्मूले का यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके, अगर आपने लास्ट मोमेंट में फॉर्मूले नहीं बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे, तो कोई बात नहीं, बस ये वीडियो देख लो। आपके पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले मैं पूरे कवर कर दूंगा मीनिंग के साथ। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे आता है सरफेस टेंशन में, सरफेस टेंशन का ही, यानी कि सबसे पहले आता है बच्चों सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है? सरफेस टेंशन मतलब होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का ना यूनिट या फिर इसका डायमेंशन बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन। लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का फॉर्मूला या फिर उसका यूनिट क्या होने वाला है? न्यूटन पर मीटर। चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। क्या होता है? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स ऑफ वॉटर है सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स लगता होगा। ओके, जैसे कि मैं एक जस्ट बेसिक एग्जांपल देता हूँ, फिर इसका फॉर्मूला देता हूँ। मान लो कि ये पानी है। चलो देखो, मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ किसी चीज़ का। सपोज ये एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है और इसके अंदर पानी है, ठीक है, ये पानी है और इसमें आपने कोई निडल रख दी। तो इस निडल पे ये जो पानी है, ये जो लिक्विड है, ये क्या लगाता है? फोर्स। तो ये फोर्स दोनों डायरेक्शन से लगाएगा, एक डायरेक्शन से नहीं लगाएगा सिर्फ, ठीक है। इसी फोर्स को कहा जाता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन या फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, जो कि होता है सिंपल सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब सरफेस टेंशन आपको हर लिक्विड की दी रहेगी। ओके, और लेंथ जो है वो, ये लेंथ किसकी है? ये लेंथ है, ये निडल की या कोई स्टिक की, ये लेंथ आपको दी रहती है। क्लियर? तो ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे, तो ठीक है। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला जो आता है बच्चों, थर्ड फॉर्मूला जो आता है वो होता है हमारा सरफेस एनर्जी का। क्या होता है? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला। देखो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या कह रहा है? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला मतलब कुछ नहीं बच्चों, वर्क डन अपॉन एरिया, वर्क डन अपॉन वाटर एरिया। जब भी एनर्जी की बात आती है, एनर्जी का यूनिट हमेशा क्या होता है? जूल। हमेशा एनर्जी का क्या यूनिट होता है? जूल। अब जरा देखो नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम, ठीक है सरफेस। और अच्छा, यहाँ पे देखो सरफेस एनर्जी जो है पर यूनिट एरिया लिया जाता है, यानी कि यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी है वो होता है। तो इसका यूनिट क्या आएगा? जूल पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं हम। फॉर्मूला नंबर जो है आपका थर्ड, और वो ये है वर्क डन के फॉर्मूले। अब वर्क डन हमारे दो टाइप के फॉर्मूले, देखो कौन से फॉर्मूले। वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप। क्या चीज़? लिक्विड ड्रॉप। अगर आपको कोई लिक्विड का ड्रॉप बनाना है, जैसे कि देखो लिक्विड का ड्रॉप बनाना है मतलब हम बूंद बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे? उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्क जो लगेगा एक ड्रॉप को बनाने में वो होता है बच्चों 4πr का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी, यानी कि सरफेस टेंशन। यहाँ पे सरफेस टेंशन को हम ST लिखते आए थे, तो यहाँ पे भी मैं ST लिखूंगा। 4πr मतलब क्या? रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। जो भी आप लिक्विड ड्रॉप बनाओगे उसकी जो भी रेडियस रहेगी वो रहेगी स्मॉल आर, और सरफेस टेंशन जो भी लिक्विड का आप ड्रॉप बनाओगे, देखो ड्रॉप हमेशा वाटर का ही नहीं बनता, ड्रॉप तो किसी के भी मटेरियल का बन सकता है, किसी भी लिक्विड का बन सकता है, मर्क्यूरी का भी बन सकता है, केरोसिन का भी बन सकता है, तो उसका सरफेस टेंशन आपको यहाँ पे लिखना होता है। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम। फॉर्मूला नंबर 5, दैट इज वर्क डन। ये इंपॉर्टेंट है और एक डिफिकल्ट भी है। वर्क डन ये तो पहले वाला फॉर्मूला हो गया था वर्क डन इन फॉर्मिंग ए लिक्विड ड्रॉप। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो वर्क डन इन इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ एयर बबल फ्रॉम आर वन टू आर टू, ठीक है। यहां पे एयर बबल नहीं लेते, पहले तो इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ ड्रॉप लेना पड़ेगा, लिक्विड ड्रॉप। अब यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, आपको जब रेडियस बढ़ानी होती है, जैसे कि मान लो कि आपके पास एक ड्रॉप है, दिस इज ड्रॉप, जिसकी रेडियस क्या है? r1। अब इस ड्रॉप के अगर मैं रेडियस बढ़ा दूँ,
यानी कि इंक्रीज कर दूँ रेडियस, तो ये अपने आप तो नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो देखो तो यहाँ पे वो वर्क डन का फॉर्मूला आता है 4 pi मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय R2 यानी कि फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस का वॉट रे स्क्वेयर। लेकिन ये कौन से केस में हो गया, दिस इज फॉर लिक्विड ड्रॉप। यही यहाँ पे अगर बबल होता तो, एयर बबल होता तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी फॉर्मूले को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। और वो फॉर्मूला हो गया किसके लिए, सोप बबल के लिए, किसके लिए हो गया, सोप बबल के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो नेक्स्ट फॉर्मूले का नंबर क्या चल रहा था अपना 6। तो फॉर एयर बबल या सोप बबल यही फॉर्मूला होता है 4 pi into सरफेस टेंशन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट ओके, अब एक दूसरा फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला नंबर 7, दैट इज एक्सेस प्रेशर का। किसका फॉर्मूला आता है, एक्सेस प्रेशर का। तो हमारे पास इसके दो फॉर्मूले हैं बच्चों, कितने फॉर्मूले हैं, दो। एक फॉर्मूला है आपका एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल, एक्सेस प्रेशर व्हाट, इनसाइड एयर बबल, ठीक है। और एक्सेस प्रेशर होता है हमारे पास इनसाइड एयर बबल हो गया एक, और एक होगा आपका एयर बबल यानी कि क्या, एयर बबल यानी कि क्या, देखो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। और यहाँ पे और एक एग्जांपल लेंगे हम, दैट इज सोप बबल। किसका, कौन सी चीज, सोप बबल, ओके। तो लिक्विड ड्रॉप में बच्चों, लिक्विड ड्रॉप का जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है, तो देखो PI माइनस PO मतलब प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, और वो होता है 2T/R। वो क्या होता है, 2T/R, जैसे कि R यानी कि क्या होगी रे, वो लिक्विड ड्रॉप की रेडियस, R यानी कि क्या होगी, लिक्विड ड्रॉप की रेडियस, और T मतलब क्या, सरफेस टेंशन। लेकिन सोप बबल में क्या होता है, सोप बबल में हमारे पास दो सरफेस होते हैं, सोप बबल के अंदर भी एयर होगा और बाहर भी एयर होगा, तो दो दो सरफेस होते हैं। तो यही फॉर्मूला सोप बबल के केस में हो जाता है, PI-P0 2T/R मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 से, क्लियर। आगे चलो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी टी। अब इस पे एक ही सवाल बनता है बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड जो बनेगा वो होता है राइज और फॉल ऑफ लिक्विड। क्या कहा मैंने, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो उसका फॉर्मूला होता है H = 2T cos theta upon rho g r डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू r। एक एक टर्म के बारे में बता देता हूँ मैं। T मतलब क्या होता है बच्चों आपका, T मतलब होता है सरफेस टेंशन, T मतलब क्या होता है रे, सरफेस टेंशन, ओके। थीटा मतलब क्या होता है, यहाँ पे थीटा मतलब होता है बच्चों आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वैरी होता है लिक्विड टू लिक्विड, अलग अलग लिक्विड के लिए, अलग अलग सॉलिड के लिए थीटा वैरी होगा। नीचे डेंसिटी क्या है, डेंसिटी रो यानी कि क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो यानी कि क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, लिक्विड। उसके बाद जी मतलब ग्रेविटी, दैट इज 10, और आर मतलब रेडियस ऑफ ट्यूब। आर मतलब क्या होता है बच्चों, रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूले थे ये चैप्टर में, उतने मैंने कवर करवा दिए लास्ट हार्डली 10 मिनट के अंदर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा बच्चों तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।